गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ डाउट है? चलो फिर डाउट बताना स्टार्ट करो, पहले डाउट कर लेते हैं फिर आगे पढ़ें। टेक्स्ट 1 का 7 इलुस्ट्रेशंस 4। इलुस्ट्रेशन 4 टाइप का तो क्वेश्चन एनएस हम लोगों ने क्लास में किया था ना। इलुस्ट्रेशन 4 एनएस अपन ने क्लास में किया था। इसमें देखो बोला गया है दो स्ट्रेट वायर हैं, लॉन्ग एंड थिन, पैरेलल वायर आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट एंड कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर ईच। दो वायर लेना है, पार्ट ए में उनको सेम डायरेक्शन में लेना है। तो मान लो आपने दो वायर लिया है, ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है और इनके बीच की डिस्टेंस डी दी है 0.1 मीटर। तो हमें एक पॉइंट लेना है जो 0.1 मीटर फ्रॉम ईच वायर है। अब पॉइंट मीटर 1 मीटर ईच वायर से लेना है। अब ये इनके बीच की डिस्टेंस ही 0.1 मीटर है, तो बीच में तो नहीं हो सकता वो पॉइंट। 0.1 मीटर कहीं ऊपर या नीचे फिर होगा, समझो। तो ये जो होगा कहीं यहां पर 0.1 मीटर होगा, ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर है। अब आप दोनों की वजह से यहाँ पे बी लिखो, ये आउट ऑफ द प्लेन है, यहाँ पे आ रहा है करंट, तो इसके वजह से जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, थंब बाहर को रखो और फिंगर कर्ल करो, तो देखो फिंगर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, आ रहा है ऐसे। यहाँ पे करंट बाहर को अगर है तो थंब बाहर को रखो और राइट हैंड थंब रूल से ऐसे फिंगर को कर्ल करो, मतलब इधर को जा रहा होगा ना, इधर को जा रहा होगा, ऐसे घूम करके इधर जा रहा होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। नहीं, इस लाइन के अलोंग नहीं जा रहा होगा, ध्यान रखना ये 90 डिग्री नहीं है। बी जो होगा इस लाइन से 90 डिग्री पे जाएगा। ये एंगल कितना हो रहा होगा? अगर आप ये एंगल थीटा निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड 0.1 बाई 2 अपॉन में 0.1, मतलब 1/2। तो थीटा वहां पे 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री आएगा। ये कुछ ऐसे जा रहा होगा,
ये एक लाइन में नहीं है, ध्यान रखना ना। और ऐसे इसके वजह से जब निकालोगे तो इसका भी ऐसे 90 डिग्री की डालो, ये दोनों एक लाइन में नहीं है ना, ये एक लाइन में नहीं है, ये एक लाइन में नहीं है। थोड़ा इसको और अच्छे से, अब ऐसे ही बनाना पड़ रहा है यार, 90 भी दिखाना है इधर नीचे से और ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 है। एक सेकेंड, इधर वाले का डायरेक्शन गलत बना दिया। तो ये जब आउट ऑफ द प्लेन होगा तो यहाँ पे जब फिंगर कर्ल करोगे तो 90 डिग्री पे यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर इधर कहीं जा रहा होगा, समझो 90 डिग्री के परपेंडिकुलर। ये देखो ये 60 डिग्री एंगल है तो 90 कहीं इधर जा रहा होगा, ऐसे इस लाइन के लॉन्ग नहीं जा रहा होगा, ये पूरा 60 है, इससे 90 डिग्री पे बनाना है, 30 30, तो और यहां इधर कहीं जा रहा होगा ऐसे, अब इनका नेट ले लो, एंगल वगैरह सब पता है, रिजॉल्व करो। सही से डायग्राम बनाओ डायरेक्शन के साथ और रिजॉल्व कर लो। कौन से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में डाउट है? तो फॉर्मूले में ही डाउट हो गया। फिर क्या है इंडेक्स 1 का 7? अबे चवन, जब डीएल बायोट सेवर्ट लॉ जो है उसका यूज करके ये सब फॉर्मूले डिराइव करके किए गए हैं, एक बार जब फॉर्मूला आ गया तो वही फॉर्मूला यूज करोगे ना। डीएल जब कहीं डिराइव करना होगा कोई फॉर्मूला तब वो यूज करना है डीएल वाला, एक बार फॉर्मूले का डिराइव कर लिया तो फाइनल रिजल्ट यूज करो। यार अब मैं वो ऑफलाइन तो हो नहीं पा रहा है अभी, तो अब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि एक प्लानर बनाओ जिसमें डेली अब ऐसे थोड़े थोड़े बच्चे बुला करके उनका पूरा मॉड्यूल चेकिंग कराएं और वहीं पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, वीक में एक दिन अब सबको बुलाना स्टार्ट करना का सोच रहा हूँ, ताकि पूरा वीकली जो भी काम रहे वो चेक हो पाए और एक वहीं पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस एक दिन बैठ के पूरा कर लो, जो भी वीक का होमवर्क बचा रहेगा तो एटलीस्ट कुछ तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। वीजीएम सर को भी बोला है, वो भी आ रहे हैं, तो अब ये वाला काम स्टार्ट करते हैं ताकि कोर्स खत्म होने से पहले सारा मॉड्यूल अच्छे से हो जाए, अभी तो लटका ही रह रहा है अभी ऑनलाइन का, तो अब ऑफलाइन का तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। देखो अब वीजीएम सर को बोला हुआ है तो एक दो दिन में फाइनल करके वो डालूंगा प्लानर, उसका कैसे आना रहेगा। हाँ नासिक आ रहे हैं, आ रहे हैं, सेवन। देखो बच्चों सेवेंथ में बोला गया है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल देना है और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, मान लो ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, तो आप क्या करोगे
यहाँ पे आपने फाइनाइट वायर की वजह से बी निकालना सीखा है ना, फाइनाइट वायर की वजह से। तो फाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे इस पे बी लिखो। केम वगैरह का तो अभी मैं ही चेक कर लूंगा, और वो लोग सर को तो अभी आना नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन चेक करके जो भी कम रहेगा वो सब करा के रखूंगा मैं। वीजीएम सर तो आ रहे हैं अभी। तो अब देखो यहाँ पर ये तीन फाइनाइट वायर की वजह से आपको यहाँ बी लिखना है और उसका नेट निकालना है। और एक चीज ध्यान रखो, जब भी एक ही डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रही है, लूप में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा अचानक से, ये जिस सेंस में जा रही है उसी सेंस में जा रही है, तो वहां पर बी सबका एड ही होगा। आप करके देखो, इसके वजह से निकालोगे तो बी किधर आएगा, कैसे करोगे? इधर को थम रखो और फिंगर को कर्ल करो, राइट हैंड का थम आप करंट के डायरेक्शन में रखो ना, और फिंगर कर्ल करोगे तो यहाँ फिंगर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा। ऐसे यहाँ पे करंट रखो और थम रखो और फिंगर कर्ल करो तो यहाँ पे भी आउट ऑफ द प्लेन, सब में आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा। तो एक फाइनाइट वायर की वजह से यहाँ निकालो, इंटू थ्री टाइम कर दो, सिमेट्री है ना, जो एक की वजह से आएगा वही तीन की वजह से आएगा। अब एक फाइनाइट वायर की वजह से कैसे निकालते हैं, आप उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो फाइनाइट वायर पे और दोनों एंड को मिला दो, ना ये आपको पता है ये 30 डिग्री एंगल आएगा ना, इक्विलेटरल है, पूरा 60 था, ये 90 है, तो ये 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। तो एक फाइनाइट वायर से परपेंडिकुलर डाला और दोनों एंड को मिलाने वाला एंगल आ गया 60 60। हाँ ऐसे ही आप स्क्वायर वाला कर सकते हो। तो अब ये एक की वजह से लिख सकते हो, थीटा वन पता है, थीटा टू पता है ना, थीटा वन और थीटा टू पता है, जिधर करंट जा रही है उधर ऊपर वाला लो, या ठीक है जैसे भी समझ लो, ये थीटा वन थीटा टू आ गया है। फॉर्मूले में डालो, ये आप निकाल लोगे साइड कितनी है, ये साइड आपको पता है, ये पूरी साइड 2L है तो ये L है। तो अब इस राइट एंगल, इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगा दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें आर निकालनी है, ये एल है, हमें पता है टेन थर्टी इक्वल टू आर बाई एल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी एल बाई रूट थ्री। आर पता है, थीटा वन पता है, थीटा टू पता है, लगा दो बी वाला फॉर्मूला। एक्सरसाइज वन पहले चेक करेंगे सबका, एक्सरसाइज वन सारे मॉड्यूल का चेक करने वाले हैं, और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज और जिनका भी काम पेंडिंग रहेगा उनको वहीं बैठा के करना भी रहेगा। चेकिंग मतलब मैं कर लूंगा, तुम लोग टेंशन नहीं लो, तुम बोलोगे कॉपी नहीं है तो मैं क्वेश्चन देके चेक करा लूंगा, सॉल्व करा के देख लूंगा, और जिनका भी पेंडिंग रहेगा वहीं बैठा के आके वहीं सॉल्व करना रहेगा आपको कंप्लीट। जो चैप्टर में प्रॉब्लम हुई है अभी तक तो उनको सॉल्व कर लेना था ना, डाउट पूछ के जैसे भी क्लियर करना था ना। कोई बात नहीं, आपने जितना भी लिखा है मैं चेक कर लूंगा, तुम लोग टेंशन नहीं लो, बस तुमने अगर किया होगा तो मुझे पता चल जाएगा। जितना भी लिख रखा है वो ले आना, जो नहीं लिख रखा होगा वो देख लेंगे फिर कैसे करना है। नेक्स्ट बताओ, इंडेक्स वन में और डाउट है बच्चों? ये आगे पूरा तो नहीं सॉल्व करूं ना, समझ रहे ना क्या करोगे अब? थीटा वन थीटा टू पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, एक की वजह से बी लिखोगे और इंटू थ्री कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टेन में देखो क्या है, अ वायर इन शेप शोन इन फिगर, कोई वायर लिया गया है, ये डिस्टेंस डी है और यहां से डी बाई टू पर, यहां पर एक पॉइंट लिया गया है और ये डिस्टेंस भी डी बाई टू है।
तो हमें बताना है फाइंड अ वायर इन द शेप शोन इन फिगर, मैग्नेटिक फील्ड एट पी बताना है ना, यहाँ पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर बी की वैल्यू बताना है। तो इस पॉइंट पर आप कैसे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो, आपके पास देखो ये कौन सी वायर है, ये वाली जो वायर है ये इनफाइनाइट को टेंड कर रही है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर है एक तरह से, ये एक फाइनाइट वायर है और ये फिर से ये क्या है, फिर से ये भी क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो आप इन तीन के वजह से अलग अलग भी लिखोगे और सबका डायरेक्शन देख करके ऐड कर लोगे। आप देखो जैसे मैं इसको वायर नंबर वन बोल दूं, इसको वायर नंबर टू और इसको वायर नंबर थ्री, तो सबसे पहले हम लोग वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगा लेते हैं। वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखोगे, वायर वन ऐसे कुछ जा रही है, ये इनफाइनाइट को जा रही है और पॉइंट पी यहाँ है, तो परपेंडिकुलर डालोगे, ये डिस्टेंस डी बाई टू है, ये भी डी बाई टू है, तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों, टेन थीटा वन निकल जाएगा, डी बाई टू अपॉन डी बाई टू 45 डिग्री, और थीटा टू कितना आएगा, ये इनफाइनाइट को जा रहा है तो ये साइड भी एकदम ऐसे होती जा रही है, टेंडिंग टू 90 हो रही है ना, तो आपके पास थीटा वन है 45 डिग्री, थीटा टू है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो पहले वाले पार्ट की वजह से बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर कितना है डी बाई टू इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। डायरेक्शन बताओ किधर होगा, अगर आप इधर को अपना थंब रख के फिंगर कर्ल करोगे राइट हैंड का ना, तो किधर को आएगा, इधर को राइट हैंड का, सभी लोग फिंगर थंब रखो थंब और अपने फिंगर को कर्ल करो, तो आप जब ऐसे रखोगे तो इधर तो बाहर को आ रहा होगा और घूम करके इधर अंदर को जा रहा होगा, इन टू द प्लेन आ रहा होगा। डायरेक्शन निकालना सबको आ गया बच्चों, अभी जिधर भी स्ट्रेट वायर की वजह से निकालना है या तो डीएल क्रॉस आर कर लो या फिर शॉर्टकट जो बताया था कि जिधर को करंट जा रही है उधर थंब रखो और फिंगर कर्ल करो, तो यहाँ पे इन टू द प्लेन आ पा रहा है सभी का, जिसको नहीं डायरेक्शन समझ आए बोल देना ना, बच्चों समझ आया, यहाँ पे ऐसे कुछ आ रहा होगा बी, यहाँ पे निकल रहा होगा ऐसे, यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होगा, यहाँ इन टू द प्लेन जा रहा है ना, फिर वो इस स्क्रीन के अंदर चला जाएगा फिर घूम के बाहर से जैसे निकलेगा। तो हमने बी डायरेक्शन वाली बात पे सब लोग हाँ बोल नहीं रहे हैं, डाउट है क्या बच्चों, सबको याद है ना अपन क्या करते थे, जिधर को भी थंब जाता है ये वायर जाएगा, उधर को अपना थंब रखो और फिंगर ऐसे कर्ल करो, देखो किधर जा रहा है फिंगर, यहाँ पे ऐसे कुछ जा रहा था तो ऐसे कर्ल करके ये इस साइड जा रहा है तो अंदर चला जा रहा है, अब सेकेंड पार्ट की वजह से देखते हैं, सेकेंड पार्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फाइनाइट वायर बनी थी उसकी वजह से ये इस पॉइंट पे हमें बी निकालना है, तो वो तो हम लोग यही इसी डायग्राम में निकाल देते हैं। अब देखो आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस डी बाई टू है तो ये भी डी बाई टू आएगा, ये पूरा डी है तो ये भी डी बाई टू आएगा, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कितना कितना आएंगे, ये टेन थीटा निकालोगे तो सामने डी बाई टू अपॉन में डी बाई टू, समझ आ रहा है बच्चों, ये एंगल कितना आएगा डी बाई टू अपॉन डी बाई टू 45 आएगा, ये भी 45 आएगा, डायरेक्शन किधर आएगा, अगर आप इधर को थंब रखोगे और फिंगर कर्ल करोगे ना, अपना थंब इधर को रखो और फिंगर कर्ल करो तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर्ल हो रहा होगा,
यहाँ पे इनटू द प्लेन जा रहा होगा, ऐसा कुछ कर लो क्या रहा होगा, तो इनटू द प्लेन जा रहा होगा। तो अब करंट तो वही सेम ही आ रही है, तो सेकंड वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड लिख दो यहाँ पर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बाई टू थी, यहाँ पे 1/√2 प्लस 1/√2 डायरेक्शन इन टू द प्लेन। फिर अब थर्ड पार्ट की वजह से करते हैं, थर्ड पार्ट की वजह से जब करोगे तो ये आप ऐसे दिखाओगे और इसके पीछे के साइड में यहाँ पे पॉइंट है, नहीं इस बार हमारा जो पॉइंट है वो इससे पीछे के साइड में यहाँ पर है, ये डिस्टेंस डी बाई टू दी है, ये डिस्टेंस डी बाई टू दी है, ये डिस्टेंस सबको दिख रहा है ना, ये देखो ये डिस्टेंस, ये यहां से कितना पीछे है, डी बाई टू, ये डी बाई टू दिया है ना, डी बाई टू, और ऊपर कितना है, डी बाई टू, समझ आ रहा है बच्चों, यही मैंने यहाँ दिखाया है, ये डी बाई टू पीछे और डी बाई टू ऊपर। तो अब यहां पे क्या करोगे, दोनों एंड को मिला दोगे और आपको यहां से देखो केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन हम अलग से देख लेंगे। तो अब इसमें दिख रहा है कि अपर एंगल जो है वो तो ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन जो लोअर होना चाहिए था, जो इस साइड होना चाहिए था ये वाला एंड, वो भी इधर आ गया है। तो इधर वाला एंगल क्या लोगे इस बार, ये वाला एंगल माइनस में लोगे ना, इधर वाला एंगल प्लस में, एक एंगल तो सही है, ये वाला जो एंगल है वो टेंडिंग टू 90 डिग्री है, और दूसरा वाला एंगल आएगा कितना, ये एंगल आएगा कितना, आप टैन थीटा लगाओ, ये डी बाई टू है, ये भी डी बाई टू है, तो टैन थीटा लगाओगे तो ये टैन थीटा 1 आएगा, मतलब ये 45 डिग्री। लेकिन माइनस साइन के साथ, तो थर्ड पार्ट की वजह से बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर, आर कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना है, ये वायर है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये डी बाई टू ना, उसको एक्सटेंड करो और परपेंडिकुलर डालो, फिर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 1 - 1/√2 डायरेक्शन किधर आएगा बच्चों, यहां पर अगर आप इधर को अपना थंब रख के फिंगर कर्ल करोगे तो फिंगर यहाँ पे बाहर को निकल रहा होगा ना, ऐसे थंब रखो और फिंगर कर्ल करो बच्चों, बाहर आ पा रहा है, समझ आ रहा है ये बात, अब तीनों जगह आपने बी लिख दिया है डायरेक्शन के साथ, तो अब नेट आप बी निकाल सकते हो यूजिंग, तीनों को आप डायरेक्शन के साथ ऐड करो, दो मैग्नेटिक फील्ड इन टू द प्लेन है और एक आउट ऑफ द प्लेन है। यहां पे देखो इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग कहीं पे भी अगर आप इधर बी देख लो, देखो जहां पे भी करंट जा रही है उसको वो वाली लाइन से दो पार्ट कर लो, एक इस साइड का पार्ट एक इस साइड का पार्ट। अब इधर कहीं पे भी निकालना है तो आप कैसे करोगे, आप इधर को थंब रखो और फिंगर कर्ल करो, राइट हैंड का अभी इधर को करंट जा रहा है तो आप ऐसे थंब रखोगे और फिंगर कर्ल करोगे, तो यहाँ पे उस साइड में ऊपर जा रहा होगा ना, ऐसे थंब रख के फिंगर कर्ल करो तो ऊपर जा रहा होगा, समझ आ रहा है, तो इधर कहीं पे भी ये जो वायर वाली लाइन है इसके इस साइड में कहीं पे भी निकालोगे तो सब जगह ऊपर ही होगा, ठीक है, समझ आया तेजस, समझ आया, तो अब ये दोनों इन टू द प्लेन थे और ये आउट ऑफ द प्लेन था, तो इन दोनों को ऐड करो और इसको सबट्रैक्ट कर दो, नेट निकाल लो ना, अगर ये आपने इन दोनों को प्लस में लिखा है, अगर आंसर प्लस में आया तो इन टू द प्लेन होगा, अगर आंसर माइनस में आया तो आउट ऑफ द प्लेन होगा, अब बाकी तो आप कर ही सकते हो कैलकुलेशन, हो जाएगा अभी, तो आपको देखो ये फॉर्मूले याद रखने हैं ना, फाइनाइट वायर की वजह से बी निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है
आपको फिर वो फॉर्मूला लगा करके जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट के वजह से बी लिखना रहेगा और फिर नेट निकाल लो। अब इन टेक्स्ट टू में बताओ डाउट है। इन टेक्स्ट टू का थर्ड इंटेक्स टू का थर्ड छोड़ दो, ये एक्चुअल में अभी अभी नहीं हुआ है, पढ़ाया नहीं है, ये एक्सिस पे बी निकालने का है, ये भी कराना रह गया है, तो अभी आज पढ़ाऊंगा वो। फिफ्थ वाला हो जाएगा, फिफ्थ बताता हूं, थर्ड नहीं हुआ है, सेकंड भी बताऊं। सेकंड क्या है, ये सेम वही है यार, सेकंड में भी रजत एक्सिस पे निकालना है ना, एक करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे निकालना अभी नहीं सिखाया है, तो अभी रुक जाओ, फिफ्थ कर सकते हैं, फिफ्थ में सेंटर पे निकाल, फिफ्थ में देखो क्या है। देखो एक चीज ये ध्यान रखो, जैसे आपने एक लूप दिया है और उसके वजह से सेंटर पे बी निकालने का फॉर्मूला क्या है था, म्यू नॉट आई अपॉन में टू आर, लेकिन अगर मान लो यहीं पे कई सारे लूप है, इसी के ऊपर और भी कई सारे लूप रखे हुए हैं, एन लूप्स है यहाँ पर, तो यहाँ पे सेंटर पे बी पूछा जाए तो एक लूप की वजह से इतना आ रहा है, तो एन लूप की वजह से इंटू एन कर दोगे, सारे लूप यहीं पर एक ही जगह है ना, तो इंटू एन हो जाएगा। बच्चों ये बात समझ आ रही है, एक लूप का पता है तो ऐसे एन लूप आ जाएंगे, तो इंटू एन टाइम कर दो। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ लॉन्ग वायर कैरीज अ स्टेडी करंट, एक कोई लॉन्ग वायर लिया था जो कि कुछ आय करंट मान लो कैरी कर रही है, इट इज बेंट इन अ सर्कुलर लूप ऑफ वन टर्न एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज बी। तो हमने अब इसको मान लो ये एल लेंथ का एक वायर लिया हुआ है, अब अगर आपने इसको बेंड करके एक केवल टर्न वाला लूप बनाया, एक टर्न वाला, तो रेडियस कितना आएगा, इसका रेडियस कैसे निकालोगे, अगर एल लेंथ की वायर को ये कैसे सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, टू पाई आर बराबर एल कर दोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा इससे, ये हो जाएगा। अब करंट तो सेम ही फ्लो हो रही है उसमें, तो आप इस केस में बी कितना बोलोगे, म्यू नॉट आई अपॉन में टू आर, आर की वैल्यू कितनी है, अब दूसरी बार बोला गया है कि अगर हम उसको एल लेंथ की वायर को ही हमने कर्ल किया लेकिन एन टर्न्स का बनाया ना, हमने मान लो छोटे रेडियस का बहुत सारे टर्न का बना दिया, करंट उसमें सेम ही फ्लो होगी ना, हर एक उसमें टर्न में सेम करंट हो रही है, तो इस बार का आपका क्या होगा, नया रेडियस कितना बोलोगे, 2 पाई आर एक का सर्कमफेरेंस, ऐसे एन टर्न्स है, ये सब बराबर हो जाएगा एल के ना, एक एल लेंथ की वायर को एन टर्न्स वाला सर्कुलर लूप बनाया। बच्चों बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूँ, लूप छोटा है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो इस बार का नया रेडियस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इस बार नया मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना बोलोगे, म्यू नॉट आई अपॉन में टू आर, आर कितना है इस बार, ये और ये एक टर्न की वजह से, और ऐसे कितने टर्न्स हैं, एन टर्न्स है ना, तो इस बार आ जाएगा एन स्क्वायर, ये नीचे वाला एन ऊपर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में एल,
तो देख लो पहले से क्या हो रहा है, एन टाइम एन स्क्वायर टाइम बढ़ गया ना पहले से। अगर आप सोचो पहली बार में जितना आया था उससे एन स्क्वायर टाइम ज्यादा बी मिला इस बार। एक तो आपका लूप छोटा हो गया, तो आपका जो पॉइंट है वायर से पास आ गया इसलिए एन टाइम बढ़ गया, और ज्यादा लूप बन गए तो इसलिए और एक एन टाइम, तो टोटल एन स्क्वायर टाइम बढ़ गया। ठीक है बच्चों, फिफ्थ समझ आ गया सभी को। अबे इलुस्ट्रेशन बी वाला तो अपन ने क्लास में किया ही था ना भाई, एक आउट ऑफ द प्लेन एक इन टू द प्लेन, अगर करंट जा रही है तो बी निकालना। अब तुम अलग से ही पूछ लो यार, वो क्लास के कराए क्वेश्चन भी अगर नहीं समझोगे तो कैसे होगा। आगे बताओ बच्चों, इलुस्ट्रेशन फोर का बी पार्ट सिद्धेश क्लास में करा दिया है, हो गए सारे? अबे जब क्लास में करा रहा था तब क्या क्यों नहीं समझ रहे थे? डायरेक्शन में क्या डाउट है भाई? अगर देखो दो, अगर आन लो आपने, एक आउट ऑफ द प्लेन है एक इन टू द प्लेन है, और यहां पे हमें बी लिखना है, तो इसके वजह से पहले बताओ किधर होगा? आप थंब बाहर को रखोगे और फिंगर कर्ल करोगे, जिधर करंट है उधर थंब रखो, मतलब बाहर को समझो, बाहर को ऐसे थंब रखो और फिंगर कर्ल करो, तो ऐसे फिंगर कर्ल हो के आ रहा होगा, तो यहाँ पे बी किधर जाएगा ना, ऐसे कहीं लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट मतलब ये जो लाइन है एग्जैक्टली लेफ्ट में नहीं, ये जो ये रेडियस रहता है ऐसे सर्कल बन रहा है ना, तो इससे 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री रहेगा हमेशा ना, जो भी उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी उससे 90 डिग्री पर ऐसे जा रहा होगा, समझो। फिर इसके वजह से देखो, इसके वजह से देखोगे तो थम इन टू द प्लेन रखो, थम इन टू द प्लेन रखोगे तो अब ऐसे कर लो रहा होगा, हो पा रहा है ऐसा? नीचे को थम रखो फिर फिंगर देखो ऐसे कर लो रहा होगा, तो जब ऐसे कर लो होगा तो इधर को भी जाएगा ना, यहाँ पे इनको मिला दो, अब इससे 90 डिग्री पर, अब इनका कंपोनेंट वगैरह लो सॉल्व कर दो। बच्चों चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलूं बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना, बोलो जल्दी बच्चों। ठीक है तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। हमने देखो अभी तक क्या क्या समझ लिया है, हमने एक तो बायोट सेवर्ट लॉ समझ लिया कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग छोटा सा डीएल लेंथ है तो इसके वजह से आर डिस्टेंस पर डीएल से थीटा एंगल पर बी की वैल्यू, डीबी की वैल्यू हमने देखी म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई था, यहाँ पे आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होगा,
और वेक्टर फॉर्म में हमने देख लिया था म्यू नॉट बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब करंट आई ऐसे रहेगा। हमने एक तो बायोट सेवर्ट लॉ देख लिया, डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे डीएल क्रॉस आर करना है ना, जिधर डीएल है उधर को थम वो फिंगर रखो और आर की तरफ कर्ल करो तो डीएल क्रॉस आर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने एक स्ट्रेट वायर की वजह से बी निकालना देखा, तो उसके दो फॉर्मूले थे फाइनाइट स्ट्रेट वायर का देखा, इनफाइनाइट का देखा। डायरेक्शन कैसे देखते हैं स्ट्रेट वायर में, तो वहां पे भी डायरेक्शन के लिए दो चीजें थी, एक तो डीएल क्रॉस आर कर दो ना, या दूसरा तरीका क्या था राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में आपको अपना थंब जो होगा ऐसे रखना रहता था और फिंगर को ऐसे कर्ल करना रहता था। समझ लो बच्चों, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर को कर्ल करो तो फिंगर हमें बी का डायरेक्शन देगा। तीसरा हमने क्या देखा, एक लूप के वजह से सेंटर पे बी निकालना, तो उसके लिए भी एक तो तरीका यह है कि कोई भी एक डीएल ले लो और उसके वजह से डीएल क्रॉस आर कर दो। जो एक डीएल का आएगा ना, एक डीएल का आएगा अगर करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया, जिस जैसे फ्लो हो रही है लूप में ना, इसने अपना डायरेक्शन कहीं से रिवर्स नहीं हुआ है, तो हर डीएल का सेम आएगा, तो डीएल क्रॉस आर कर लो। या दूसरा तरीका क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा कि करंट के डायरेक्शन में हमें अपना फिंगर कर्ल करना है, तो थंब जो होगा वो हमें बी का डायरेक्शन देगा। डीएल क्रॉस आर तो हर जगह रहेगा ही रहेगा ना, एक मेथड तो जिसको भी कंफ्यूजन है डीएल क्रॉस आर से करो, और दूसरा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया है ना, और इसका फॉर्मूला देख लिया था सेंटर पे बी निकालने का फॉर्मूला क्या हो। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बी एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। वो स्क्वायर वाला ना, वो सलोनी ने बोला ना, वो ट्रायंगल का जैसे किया वैसे स्क्वायर का कर लोगे। स्क्वायर वाले में एक चार फाइनाइट वायर है ना, एक फाइनाइट वायर को वैसे लिखो बी और इनटू फोर टाइम कर दो, सबका वहां पे बी एक ही डायरेक्शन में आ रहा होगा। जैसे ट्रायंगल का किया था वैसे ही करना है। फाइनल आंसर इसमें दिया होगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा, बता दो क्या है। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, हाँ यही है। ठीक है ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना, बस आपको फाइनाइट वायर का फॉर्मूला लगाना है और देख लेना है सबका डायरेक्शन एक है तो ऐड कर दो, अगर कोई का अपोजिट है तो माइनस कर दो। एकदम आसान है ये मैग्नेटिक फील्ड, कुछ है ही नहीं है इसमें। बी एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप।
मान लो हमने एक ऐसे करंट कैरिंग लूप लिया हुआ है जिसमें आए करंट आ रही है, यहां से करंट बाहर निकल रही है और यहाँ पे अंदर को जा रही है। ये जो डैश डैश दिखाया है वो स्क्रीन के अंदर के साइड वाला पार्ट है और ये स्क्रीन के बाहर वाला साइड है। एक लूप को ऐसे स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो अब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें ना ये रेडियस कुछ इसका आर है, करो ट्राई बच्चों। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पे बी निकालना है। सही लग रहा है, देखते हैं अभी कैसे किया। नैनेस नैनेस बताओ कैसे किया। अनम्यूट करके बोल दो फटाफट। सर वो स्मॉल आर था, वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा और साइन थीटा कैपिटल अप आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और डीएल टू पाई आर हो जाएगी इंटीग्रेट कर। मतलब एक छोटा डीएल लिया उसके वजह से बी इंटीग्रेट किया है। हाँ सर। और रिजॉल्व किया है? नहीं। अबे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, सबका जो डीएल के वजह से बी एक ही डायरेक्शन में थोड़ी आ रहा है। चलो अब देखते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर अगर मान लो दो एक डीएल यहाँ पे ले लेते हैं तो वो डीएल का करंट क्या होगा, बाहर आ रहा होगा ना, यहाँ पे एकदम ले रहे हैं और यहाँ का डीएल अंदर जा रहा होगा। समझो बच्चों, अगर हम मान लो दो डीएल ले लें, एक डीएल यहाँ पे स्क्रीन के परपेंडिकुलर छोटा सा हमने डीएल ले लिया है, तो इस डीएल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जब आप बी निकालोगे तो डीएल क्रॉस आर करो, डीएल क्रॉस आर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डीएल देखो बाहर को आ रहा है करंट ना, डीएल क्रॉस आर करो देखो बी किधर को जा रहा है, डीएल ऊपर को है ना, क्रॉस आर करो तो ऐसे यहाँ पे
ऐसे राइट हैंड के फिंगर कर्ल हो रहे होंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो परपेंडिकुलर जा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर। डीएल के वजह से यहाँ का डीएल बाहर आ रहा है, ये बात क्लियर है ना, ये ऐसे डीबी आएगा। डीएल एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर लिया, उसके वजह से समझ आया बच्चों क्या किया है। एक डीएल यहां पे ले लो जो अंदर को जा रहा है ना, एक डीबी यहां अंदर को लोगे, ये अंदर को जा रहा होगा, और इसकी वजह से लिखो। अब यहां पे थम अंदर को रखो और फिर डीएल क्रॉस आर लगाओ ना, या फिर उसके अलोंग उधर थम रख के ऐसे फिंगर कर्ल करो ना, करंट जिधर है उधर को थम रखो और फिंगर कर्ल करो, उससे मिल जाएगा आपको। डीएल क्रॉस आर की जगह जैसे स्ट्रेट वायर का करते हैं तो वैसे ही कर लो, अंदर को थम रख के ऐसे फिंगर कर्ल हो रहा होगा तो इधर को आ रहा होगा डीएल, डीएल क्रॉस आर से भी सोच सकते हो। ये बात समझ आई बच्चों? समझो ना, यहां पर एक डीएल ऐसे बाहर आ रहा है और एक डीएल अंदर जा रहा है, तो रिंग ऐसे जो थी वो परपेंडिकुलर तो यहां से निकल रही है, यहां अंदर जा रही है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा डीएल लिया है जो बाहर आ रहा है और एक यहाँ छोटा डीएल लिया है जो अंदर जा रहा है, और दोनों के वजह से, हाँ दोनों के वजह से हमने यहाँ पर डीबी लिख दिया। तो एक का डीबी ऐसे आया और एक का डीबी ऐसे आया। ये हमारा रेडियस के बराबर आएगा ना, ये डिस्टेंस आ रहा है, हाँ इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी आर रहता है, ये जब ऐसे टर्न करोगे तो ये जो लाइन बन रही है ये रेडियस है, तो इसके परपेंडिकुलर है, जब यहां का देख रहे होगे तो इसके परपेंडिकुलर। कोई भी एक अगर हमारे पास वायर है जिससे करंट ऐसे बाहर को आ रही है, तो हर जगह ऐसे रहता है ना, सर्कल में भी रहता है, तो कोई भी पॉइंट पे देखूंगा तो उस पॉइंट पे ऐसे, तो कोई भी पॉइंट पे रेडियस के परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब अगर ये एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा और ये 90 है तो ये थीटा आएगा। तो अब डीबी को रिजॉल्व करो, डीबी का एक कंपोनेंट ऊपर को आएगा डीबी कॉस थीटा और एक इधर आएगा डीबी साइन थीटा, ऐसे ही इस डीबी को रिजॉल्व करोगे तो एक नीचे को आएगा डीबी कॉस थीटा और एक इधर आएगा डीबी साइन थीटा। तो इसका मतलब देख लो, अगर हम डायमेट्रिकली अपोजिट दो डीएल लें तो उसके वजह से बी किधर आ रहा है, केवल एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, परपेंडिकुलर वाला कट जा रहा है, तो मतलब हर एक वायर का केवल एक्सिस वाला जो डीबी साइन थीटा होगा यही आपको लेना है। हर एक डीएल की वजह से समझो बच्चों, डीएल का केवल एक्सिस के लॉन्ग वाला डीबी साइन थीटा ही बचेगा, तो एक डीएल के वजह से डीबी साइन थीटा लिखते हैं और उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पूरे रिंग के लिए। नेट बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक डीएल का डीबी साइन थीटा लिखेंगे और पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपने दो कर ले लिया, दो ले लिया तो मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट वाला डीएल भी ले लिया है, तो आधे रिंग के लिए इंटीग्रेट करो, एक ही बात होगी। इस 2db sin थीटा लिखोगे तो हाफ रिंग के लिए इंटीग्रेट करो, अगर db sin थीटा लिख रहे हो तो पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करो। ये बात क्लियर है बच्चों? अब db की वैल्यू बताओ कितनी होगी,
ये एक छोटा सा डीएल है जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा है, डीबी डीएल यहां पर है, आर इधर को है। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डीएल, एक देखो फॉर्मूले में साइन थीटा आता है, ये थीटा अलग है, एक फॉर्मूले का साइन थीटा वो कितना है, अगर डीएल यहाँ पे बाहर को है और आर इधर है स्क्रीन में, तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल है अभी, डीएल स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर को जा रहा है, आर स्क्रीन में है इधर को, तो डीएल और आर के बीच का एंगल बताओ। नाइनटी डिग्री। तो यहाँ पे डीबी के फॉर्मूले में म्यू नॉट बाय फोर पाए आर डीएल साइन थीटा, तो वो वाला थीटा कितना है 90, तो साइन 91। और ये जो यहाँ कंपोनेंट बनाने के लिए इसको एक या फाइल लिख देता हूँ यहाँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, साइन थीटा वन है यहाँ पे और आ जाएगा साइन फाइव अपॉन में आर स्क्वायर। आर कितना बोलोगे, डीएल से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती थी ना आर, ये कैपिटल आ रहा है ये स्मॉल आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी, सेवन में थोड़ी देर पहले मैं कुछ बोल रहा था, वो सुना तूने मैं क्या बोल रहा था, अगर मैं एक डीबी साइन फाइल केवल डीबी साइन फाइव को इंटीग्रेट कर रहा हूं, मतलब मैंने अभी केवल एक डीएल का लिखा है, तो मैं इंटीग्रेट फिर किसके लिए करूंगा, पूरे रिंग के लिए या आधे रिंग के लिए, अगर मैंने डीबी साइन फाइव लिखा है तो पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं दो रिंग का पकड़ लूंगा, दो डीएल का पकड़ लिया तो दो डीएल का पकड़ लिया, तो मतलब अब हाफ रिंग का इंटीग्रेट करूंगा तो हो जाएगा काम, तो मैंने यहां एक का ही पकड़ा है तो मेरे को पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करना रहेगा। अब यहां वैल्यू डालो म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डीएल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, साइन फाइव की वैल्यू कितनी डालोगे, साइन फाइव फाइव का साइन चाहिए तो यहाँ सामने वाली साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आर अपॉन में अंडर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें बताओ कौन सा टर्म वेरी हो रहा है, कौन सा टर्म कांस्टेंट है, म्यू नॉट फोर पाई तो कांस्टेंट है, करंट नहीं चेंज हो रहा है, रेडियस नहीं चेंज हो रहा है, जहां पे बी निकाल रहा है वो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, तो ये पूरा टर्म क्या है, जहां पे बी निकाल रहे हो ये पॉइंट, इसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या चेंज हो रही है, सब कॉन्स्टेंट है, पॉइंट तो फिक्स है ना, इसी पॉइंट पे निकालना है ना, या पॉइंट लेके घुमाते रहोगे, कोई एक ही पॉइंट पे बी निकाल रहे हो ना, तो एक ही पॉइंट पे जब बी निकालोगे ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बाहर हो गया, अंदर केवल बचा डीएल। अब डीएल लिया है मैंने और ये केवल मैंने एक डीएल का बी लिखा था, तो मुझे पूरे रिंग के लिए इंटीग्रेट करना है, पूरे रिंग के लिए डीएल डीएल ऐड करूंगा तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, रिंग पे एक छोटा सा आर था डीएल और ऐसे हर एक डीएल को ऐड करना है पूरे रिंग के लिए, तो टू पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई ये कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2 आई इंटू आर स्क्वायर
और इसी में अगर आप आर की वैल्यू जीरो लग दोगे तो सेंटर पे भी आ जाएगा, सेंटर पे भी कितना आ जाएगा, समझ आ रहा है बच्चों, अगर हम एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस जीरो डाल दें तो सेंटर का बी भी यहां से आ जाएगा, नोट करो। थोड़ा सा देखो 3D में चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा लिमिटेशंस है मेरे पास भी समझा पाने का, बट फिर भी जो भी डाउट रहे पूछ लेना, एक बार खुद से भी ट्राई करना। तेजस देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है डायरेक्शन के लिए, जिधर को भी करंट जा रही है चाहे वो बड़ी करंट हो या छोटी, उस करंट की तरफ आपको थंब रखना है और फिंगर कर्ल करना है ना। तो जैसे मान लो हमने एक डीएल लिया यहाँ पर ना, उसमें करंट बाहर को आ रही है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, तो आप क्या करोगे कि अपने राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करो, थंब यहाँ पे बाहर को है ना, तो ऐसे आपका बी जा रहा होगा। तो इसका मतलब कोई भी इस लाइन पे यहाँ चाहिए तो ऐसे बी होगा, यहाँ चाहिए तो ऐसे बी होगा, यहाँ वो चाहिए तो ऐसे बी होगा। अगर मान लो आपका अंदर को है डीएल, तो अब थम अंदर को रखो और फिंगर कर्ल करो, तो ऐसे जा रहा होगा, राइट हैंड से करो बच्चों ऐसे, तो अब ऐसे जा रहा है तो कहीं पे भी चाहिए, यहाँ पे चाहिए तो नीचे को होगा, यहाँ चाहिए तो इधर नीचे को, ऐसे परपेंडिकुलर बनाना है। एक छोटा डीएल लो या बड़ा डीएल, हर जगह ऐसे सोचना है, तो यहाँ डीएल ऐसे बाहर को था, अब ऐसे सर्कल बनाओ तो ऐसे जा रहा है, मतलब कहीं पे भी देखोगे तो ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा हो। इसमें ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे हर जगह जा रहा हो परपेंडिकुलर। ये देखो ये जो एंगल है, ये एंगल मैंने फाई लिया है, ये एंगल फाई लिया है, और एक हमारा जो फॉर्मूले में एंगल होता था साइन थीटा, वो वन है, साइन थीटा की वैल्यू वन है। ये एंगल समझ आ रहा है ना, ये फाई लिया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये फाइव है तो ये 90 माइनस फाइव देगा, फिर बी जो होगा इस लाइन से 90 डिग्री पे गया होगा, तो ये एंगल भी 90 है, ये 90 माइनस फाइव तो ये फाइव हो जाएगा, ये फाइव है ना। थीटा एक जो फॉर्मूले में थीटा आता था, थीटा यहाँ पर है, थीटा देखो जो ये डीएल बाहर को जा रहा है और आर, डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे उसको आप, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ डायग्राम में, डीएल यहाँ बाहर को आ रहा है और आर इधर को आ रहा है, हाँ बायोट सेवर्ट लॉ फॉर्मूले में जो थीटा आता था वो थीटा है, वो 90 है यहाँ पर। एक जब डीबी की वैल्यू लिखोगे तो उसमें एक थीटा आएगा ना, म्यू नॉट by 4 pi r dl sin theta by r square, तो वो वाला theta 90 है, क्योंकि dl और r के बीच का angle 90 है, dl बाहर को है और r इधर है screen में। भावे समझ आया theta कौन सा है? हाँ करो सर यू अनम्यूट। हाँ बोलो। इसमें अगर वेक्टर फॉर्म में किया तो उसका पोजीशन वेक्टर
स्मॉल आर वेक्टर प्लस कैपिटल आर वेक्टर ऐसे आता है, और स्मॉल आर वेक्टर के वजह से जो आते हैं सारे कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि वो टुवर्ड्स द सेंटर आ जाते हैं, तो वैसे किया तो भी चलेगा। तुम ऐसा करना, वो व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजो, उसमें मैं देख के बताता हूँ ना क्या कर रहा हूँ, बट करना यही है ना, जो भी किया होगा उसमें कोई मिस्टेक ही होगा तभी नहीं आंसर। सर फाइनल आंसर सेम आता है फाइनल। अच्छा तूने इसके पहले जो बोला था वो अलग बोला था ना? हाँ वो उसमें थोड़ी गलती की थी। हाँ हाँ फिर तो ठीक है, आंसर सेम आया तो मतलब सब सही किया होगा, फिर तो कर ही सकते। बच्चों ये सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? डायरेक्शन वाला पॉइंट सबको समझ आ गया है? दो ही देखो डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, एक फाइनाइट वायर चाहे वो छोटा हो या बड़ा उसके वजह से डायरेक्शन लिखना, तो उसमें थंब रखो करंट के रॉन्ग फिंगर कर्ल करो, एक ये हो गया। और एक अगर कोई लूप है करंट कैरिंग लूप है, लूप के लिए करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो तो थंब से मिलेगा। दो ही हैं बस जो आपको याद रखना है, स्ट्रेट का और करंट कैरिंग लूप का। हाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है ना, इस क्वेश्चन सॉल्व में डायरेक्ट यूज होगा, तो आप बार बार आप इतना डेराइव नहीं करोगे। अब देखो एक चीज ये है कि अगर लूप आपका ऐसे है, करंट ऐसे आ रही है, तो अभी यहां पे बी किधर को आया? इस डायरेक्शन में आया ना। आप सेंटर पे बी का डायरेक्शन देखो, वो किधर है? सेंटर पर। करंट के डायरेक्शन में ऐसे फिंगर कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, तो थंब ऐसे जा रहा होगा, सेंटर पे भी बी इधर को आ रहा होगा। इधर को देखोगे तो बी ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे बी जो है एक्सिस सेंटर पे, अगर आपको पता चल गया तो उसको देख करके आप एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे लिख सकते हो। अगर सेंटर पे ऐसे है तो इसी डायरेक्शन में आगे को भी होगा ना, और अगर यहाँ ऐसे है तो मतलब इधर से ऐसे बी आ रहा होगा, तो इधर को ऐसे होगा तभी ना, इधर को बी आ रहा है ऐसे और आगे को जा रहा है। सेंटर पे बी देख करके आप एक्सिस पे कहीं पे भी डायरेक्शन बता सकते हो। अगर यहाँ पे सेंटर पे भी इधर है मतलब आगे हर पॉइंट पे इधर ही होगा, और पीछे से आ रहा होगा तो पीछे इधर होगा। समझ आ रहा है बच्चों? सेंटर पे भी निकालना आता है तो आप एक्सिस पे हर पॉइंट पे ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, हाँ अगर करंट यहां पर ऐसे होता है,
करंट अगर ऐसे होता तो यहाँ पर, अब आप ऐसे फिंगर कर्ल करो ना, ऐसे कोई रिंग रखा है, ऐसे फिंगर कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में, तो अब इधर को बी जा रहा है ना, इधर को बी जब जा रहा होगा तो अब हर पॉइंट पर इधर को जा रहा होगा ऐसे, इमेजिन हो पा रहा है डायग्राम? ये बहुत आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक टैलेंट चाहिए यार ये सब के लिए। करंट ऐसे है तो थंब इधर जा रहा होगा, चले बच्चों डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है ना, एक लूप के वजह से, करंट कैरिंग लूप के वजह से उसके एक्सिस पे कहीं पे भी आप बी दिखा सकते हो ना। देखो यहाँ पे हमने केवल एक्सिस पे बी दिखाया है, और अगर पूरे लूप के वजह से आपको बी देखना रहे तो जैसे ये अभी ऐसे जा रहा है तो आपका बी इस लाइन के लॉन्ग तो ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है और इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है ना, बाकी पार्ट में भी बी है, बाकी पार्ट में भी ऐसे जा रहा होगा और वो घूम करके इधर से आ रहा होगा, हर जगह ऐसे बी है। लेकिन इन सब पार्ट में आपको बी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आप निकाल नहीं पाओगे, सिमेट्री नहीं है तो कैलकुलेशन करते नहीं आएगा, लेकिन बी का डायरेक्शन मैंने दिखाया है कि एक्सिस से तो बी ऐसे जा रहा है, बाकी जगह से भी ऐसे जा रहा है, ये वाला एक्सिस वाला मानोगे कि इनफाइनाइट रेडियस में घूम के आ रहा है, बाकी जगह पे भी ऐसे लूप्स में बी ऐसे आ रहे हैं, जिधर एक्सिस पे है वैसे ही डायरेक्शन में दिखा दो, लेकिन सब लूप होंगे ना, सब घूम घूम के आ रहे होंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि एक जो करंट कैरिंग लूप होता है वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल टाइप होता है, जैसे इसमें लाइन ऐसे जाती थी ना, साउथ पोल में एंटर करती थी, नॉर्थ से निकलती थी, बाकी जगह पर ऐसे जाती थी, तो ऐसे ही ये एकदम सेम वैसे ही टाइप होता है। आप आगे अभी पढ़ाऊंगा कि एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक बार के इक्विवेलेंट होता है, सब कुछ जो आप मैग्नेटिक बार के लिए पढ़ते हो वो इसके लिए भी लगा सकते हो। सोलेनोइड अलग है, वो देखेंगे अभी, सोलेनोइड भी ऐसे लूप का कलेक्शन होगा। तो रिंग के बारे में अभी तक क्लियर है ना यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, बी ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड देखो बच्चों क्या होता है, आपको ऐसा सिलेंड्रिकल पाइप ले लो और इसके ऊपर वायर को रैप कर दो, एकदम क्लोजली वायर को रैप कर दो, ना समझो एक ऐसा सिलेंडर ले लो, इसमें वायर रैप कर दो एकदम क्लोजली, डायग्राम में तो दूर दूर दिखाया, एकदम क्लोज क्लोज ना पूरे में रैप कर दो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सोलेनोइड। हाँ स्प्रिंग जैसा लेकिन एकदम क्लोज क्लोजली बाइंडेड वाइंडेड।
ना, तो यही हमारा सोलेनोइड है। हाँ, और ये जो आपका पाइप होगा वो इंसुलेटिंग मटेरियल का रहता है। पाइप इंसुलेटिंग रहेगा और ये करंट कैरिंग वायर रहता है। ना वायर ले लो, करंट जब फ्लो कराओगे तो आप उसके वजह से बी वगैरह निकालोगे। हाँ, वायर को इंसुलेशन रहता है। अरे भाई, पांडा के पास सोलेनोइड भी है। मेटल का कोर भी रहता है, उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अभी हम लोग मेटल वाले पार्ट को नहीं पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग पहले देख रहे हैं वायर के वजह से बी कितना होता है। तो देखो, हम लोगों को अभी यहाँ पे क्या सीखना है कि अगर कहीं पर एकदम ऐसे क्लोजली बाइंडेड सोलेनोइड ले लिया हमने और इसमें करंट ऐसे जा रही है, लूप में ऐसे करंट जा रही है, तो यहाँ पे करंट बाहर आ रही है और घूम करके यहां से अंदर जा रही है, हर जगह यहाँ बाहर आ रही है, यहां से घूम के अंदर जा रही है ना। तो ये सोलेनोइड को अब जब देखोगे तो सामने से केवल अगर हम ये साइड साइड का देखें तो यहाँ हर जगह से करंट ऐसे बाहर आ रही होगी, यहाँ हर जगह अंदर जा रही होगी। ये एकदम क्लोजली वाइंडेड है, थोड़ा थोड़ा वायर में स्पेस बन जा रहा है, सब एकदम क्लोज क्लोज है। नहीं, यहाँ पे करंट बाहर आ रही है, यहाँ पे अंदर को जा रही है। समझ आया बच्चों? तो ऐसा कोई सोलेनोइड ले लिया है जिसकी मान लो टोटल लेंथ ये एल है और नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कैपिटल एन है। कैपिटल एन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करेंगे एन बाई एल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको अगर कहीं पे भी नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं तो वो लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे स्मॉल एन में, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगी। एल बाई टू लेंथ में कितने टर्न है ये निकालना है, तो स्मॉल एन इंटू एल बाई टू, तो वहां के नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है इसके वजह से कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो, इसके वजह से अगर आपको कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना रहेगा, मान लो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस है ना, सिलेंडर का एक्सिस है। तो आप क्या करोगे, इसके दोनों एंड को ऐसे मिला दो, तो अब ये जो इस पॉइंट से ये जो पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है उससे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों ये जो एंड को मिलाने वाली लाइन है उसका एंगल देखोगे। मान लो एक एंगल कुछ थीटा वन है और एक थीटा टू है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखना है। तो ये थीटा वन थीटा टू के टर्म में आप यहाँ पे बी की वैल्यू अभी हम लोग डिराइव करेंगे तो आएगी म्यू नॉट एन आई बाय टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। नहीं, यहाँ पे आपको केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन आप देख लोगे अलग से। क्वेश्चन ये फॉर्मूला समझ आ रहा है, एक अगर लूप है तो उसके वजह से कहीं पे भी बी निकालने का फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, जिस पॉइंट पे बी चाहिए उससे पॉइंट से दोनों एंड को मिलाना है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में दोनों एंड को मिलाने वाली लाइन का एंगल देखना है। ये दोनों एंगल आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है, करंट कितनी फ्लो हो रही है एक लूप में वो पता है, तो आप ऐसे बी की वैल्यू निकालोगे ना। अभी बी मैं डिराइव करूंगा,
आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, एक सोलेनोइड की वजह से बी का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों? हाँ हाँ वैसे ही लेना है, वैसे ही लेना है। हम लोग जब डिराइव करेंगे तो हमने इसी हिसाब से एंगल लिया था, डेरिवेशन के हिसाब से जैसे लिया वैसे ही बता रहा हूं। कोई एक फिक्स करके एंगल लेना पड़ा है ना, हमने फिक्स कर दिया कि कंफ्यूजन ना हो, आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में सोचो एंगल के लिए। हम चाहते थे तो इधर से भी फॉर्मूला बना सकते थे, बट ऐसे बना दिया तो आपको वही याद रखना है। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि एक सोलेनोइड है ना, यहाँ पर आय करंट फ्लो हो रही है, इधर से बाहर आ रही है, इधर को अंदर जा रही है, यहाँ पे आपको मान लो बी चाहिए इसके अंदर एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस आपको दी गई है 30 डिग्री, ये डिस्टेंस भी 30 डिग्री, समझो सोलेनोइड के एग्जैक्टली बीच में मान लो मैं बी निकाल रहा हूँ मिड पॉइंट पर, और ये दोनों एंड को ऐसे मिला रहा हूं, तो ये 30 है ये 30 है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आएगी, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, देखो ये वाला तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल है, आपको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए, और इधर वाले का आपको ये वाला एंगल देखना रहेगा ना, तो थीटा वन हमारा 30 डिग्री है और थीटा टू हमारा 150 डिग्री है ना, ये अगर 30 है तो ये पूरा एंगल कितना आएगा 150, अगर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखा है तो वो प्लस में लिखोगे ना, ये भी प्लस 30 है और ये भी प्लस में 150 है, अब थीटा वन थीटा टू आ गया तो बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन मतलब कॉस 30 माइनस कॉस 150, अब बाकी वैल्यू डालो सॉल्व कर लो, तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं कि कैसे आप इसको डिराइव करोगे। लेकिन वो फॉर्मूला याद रखना है ना, हर बार हम इतना डिराइव नहीं कर पाएंगे, तो मान लो हमारे पास एक सोलेनोइड है, हाँ श्रेयस है ये, तो यहाँ पे मान लो करंट ऐसे बाहर को आ रही है, अब मैं थोड़े से टर्न्स दिखा दे रहा हूं, यहां से करंट बाहर आ रही है, यार एक तो डायग्राम बहुत बनाना पड़ता है इसमें, और यहां पे अंदर जा रही है, तो इसके वजह से हम यहां पर कहीं बी निकालना चाह रहे हैं, और हमें दिया क्या क्या है, इसका ये जो एक्सिस है इसके एक्सिस पे हमने पॉइंट ले रखा है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और हमें ये एंगल गिवन है कि जब हम इधर से मिलाएंगे तो क्या एंगल होगा और इधर से मिलाएंगे तो क्या एंगल होगा,
ये मान लो एल लेंथ का सोलेनोइड है और इसके एंड से ये हमने कुछ आर डिस्टेंस पे हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग अब इसमें क्या कर सकते हो, देखो ये आपका क्या है, यहाँ पर बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स हैं ना, और उसके एक्सिस पे बी निकालना है। सब लूप्स का ये एक्सिस है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे करंट कैरिंग लूप हैं जिनका ये डीएल बाहर को है और यहाँ पे डीएल अंदर को है। इमेजिन हो पा रहा है बच्चों? और सब सब करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे बी निकालना है सबके वजह से। तो आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो कि एक्स डिस्टेंस पर हमने dx लेंथ ले लिया है, तो इस dx लेंथ में कितने लूप आ जाएंगे? अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपके n है तो dx लेंथ में कितने लूप आ जाएंगे? dx इंटू n लूप आ जाएंगे ना। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ। अब देखो ये dx टर्न में जितने भी लूप आए हैं हर एक के लिए आप मान सकते हो ना कि उसके एक्सिस पे ये जो पॉइंट है वो x डिस्टेंस पर है। हर एक dx पे जितने भी लूप है हर एक के लिए एक्सिस पे ये पॉइंट है और वो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है ना, और इसका रेडियस मान लो सोलेनोइड का r है। तो आप एक लूप की वजह से आप b लिखो और ऐसे n लूप मल्टीप्लाई कर दो। x यहाँ इस पॉइंट से डिस्टेंस लिया, जिस पॉइंट पे b निकालना है वहां से x डिस्टेंस पे ऐसे dx लेंथ लिया। तो यहां पर dx लेंथ में जो लूप है उनके वजह से b लिखना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन में 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर में 3/2। ये एक लूप के वजह से हुआ और ऐसे कितने लूप है वहां पे, n इंटू dx ना, और सबके वजह से b किधर आ रहा होगा, इधर को आ रहा होगा ना। आप अगर ऐसे फिंगर कर्ल करो, करंट बाहर को आ रही है, यहाँ पे करंट बाहर को आ रही है और यहाँ घूम के अंदर जा रही है, तो B इधर जा रहा है ना, यहाँ सेंटर पे B देख लो वही हर जगह होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आया है? अब आपको ऐसे ही हर एक लूप का निकालना है तो इंटीग्रेट कर लेना है। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो। अब देखो या तो ये पूरी टर्म को आप x में सॉल्व करो या थीटा में चेंज कर लो। तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं और ये एंगल को मैं कुछ मान लो थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी बोलूंगा, R अपॉन में x ना, इस एंगल का टैन कितना होगा, इसके सामने वाली साइड रेडियस अपॉन में ये x, तो यहां हो जाएगा टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा आएगा, ये इक्वल टू R अपॉन में x, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस R cot थीटा। अब dx की वैल्यू इससे कितनी डाल सकते हो, dx की वैल्यू डाल सकते हो dx इक्वल टू माइनस r cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब ये वैल्यू डालो यहां पर, dx की वैल्यू थीटा के टर्म में डाल देंगे, अपॉन में 2 r स्क्वायर
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू डालोगे माइनस आर कॉट थीटा, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, पावर में 3/2 है तो आर क्यूब बन जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पावर में 3/2। आर स्क्वायर कॉमन किया, ये बात समझ आ गई है, आर स्क्वायर के पावर में 3/2 लगाओगे तो आर क्यूब बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, पावर में 3/2 है, ये भी एक आर था तो आर कट ही गया यार। अब कॉसेक क्यूब थीटा ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा। हम देखो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, यहाँ डायरेक्शन पे मत परेशान होना, यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लेते हैं तो हम यहाँ केवल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन तो हमें अलग से आता ही है कि एक लूप की वजह से कितना है वो देख लोगे, वही सब की वजह से हो। तो हम लोग यहाँ पे अब थीटा की लिमिट डालेंगे, थीटा क्या है हमारा, जो भी लूप देख रहे हो उसको मिला दो इस पॉइंट से और एंटी क्लॉकवाइज में उसका एंगल, तो यहाँ लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक लेना है, तो पहले वाले लूप को मिला करके एंगल देखोगे तो वो पहला वाला थीटा हो जाएगा, लास्ट वाले लूप को ऐसे मिलाओगे और उसका एंगल देखोगे तो लास्ट वाले का थीटा हो जाएगा, समझो बच्चों ना, यहाँ पर थीटा की लिमिट डालनी। तो ये जो आपका एक्सिस है वहां पे हमने पॉइंट लिया है और पहले वाले को मिलाया तो ये हमारा थीटा वन हो गया, और लास्ट वाले को जब मिलाएंगे तो ये वाला हमारा थीटा टू हो जाएगा। तो हमारा थीटा वन से थीटा टू तक के लिए ये इंटीग्रेट करना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होगा, यहाँ पे हमने मॉड लगा दिया है कि क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, हाँ माइनस है, हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डायरेक्शन हम अलग से देखेंगे तो वो थीटा वन आता है या थीटा टू, पहले कौन आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्शन अलग से देखते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आया कैसे डिराइव किया है। ये सारा डेरिवेशन एक बार खुद से करके ट्राई करना ना, तभी एकदम 100% क्लियर होगा, क्योंकि एक तो लेंथी है चीजें और सब 3D में भी है। अभी 7:00 तक ओपन है, 9 to 7 में है अभी ओपन,
हाँ एकदम जाके पढ़ाई करो वहां पर, जो भी जाके वहां पढ़ाई कर सकते हो तो बेस्ट है, जाके वहां पढ़ाई करूँ। मैं भी आता रहूंगा दिन में, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन होता रहेगा तो और अच्छा ही है। यार एक दो दिन में मैं प्लानर डालूंगा ना यार, डेली तो नहीं जा रहा हूँ लेकिन मोस्टली जाता ही हूँ, आज भी जाऊंगा। एक दो दिन में मैं पूरा प्लान करके डालूंगा, बच्चों का वो लिख दूंगा उसमें कि कौन से बच्चों को किस दिन आना है, टाइमिंग वगैरह मेंशन कर दूंगा। जो भी आएगा उसको फिर उस दिन बैठ के वहां पढ़ना भी रहेगा, जो भी पेंडिंग वर्क रहेगा वो कंप्लीट करके ही जाना रहेगा। हाँ मतलब मैं सेंटर पे बुलाने वाला हूँ और मैं भी बैठा हूँ बैठूंगा तुम लोगों के साथ ही, जो भी वर्क है वो कंप्लीट कराऊंगा ना। हाँ भावेश, हाँ वो मेंशन करूंगा ना उसमें, आगे चेक करूंगा कि आज मॉड्यूल कौन सा लेके आना है। मॉड्यूल आपको मेंशन कर दूंगा कि आज ये मॉड्यूल का चेकिंग है, ये लेके आओ। नहीं चेक होगा वो जो टाइम लेक्चर रहेगा आपका, टाइम टेबल देख करके किस टाइम पर आपका लेक्चर नहीं है उस हिसाब से बुलाया जाएगा। डेली कोई ना कोई को तो डेली ही आना रहेगा ना, डेली ऐसे 20 बच्चों को बुलाने वाला हूं तो डेली कोई ना कोई का तो टर्न रहेगा ही। थोड़े थोड़े बच्चे बुलाएंगे तो कोई इतना टेंशन भी नहीं रहेगा, अपना काम भी चलता रहेगा। ये नोट हो गया बच्चों, आगे चलें। यार जो पुराने मॉड्यूल है वो तो मॉड्यूल वाइज ही लेना पड़ेगा ना, वो थोड़ी चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है अच्छा, या तो चैप्टर वाइज ही कर देता हूँ। एक करंट चैप्टर और एक प्रीवियस चैप्टर स्टार्टिंग का, ऐसे करता हूँ, करंट और प्रीवियस करके मिक्स करके चेक करते हैं। हाँ ठीक है अमन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है, लॉन्ग मतलब एक तरह से इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनोइड है, तो उसकी वजह से अंदर कोई भी पॉइंट पे बी की वैल्यू कितनी आएगी है? अंदर हमें बी की वैल्यू निकालनी।
देखो जब आप दोनों एंड को मिलाओगे ये आपका एक्सिस है, तो आप जब इधर वाला एंड को मिलाओगे तो इधर वाला एंड किधर भाग रहा है, ऐसे आगे को जा रहा है, तो पहला वाला एंगल किसको टेंड कर रहा है, थीटा वन टेंडिंग टू जीरो है, और थीटा टू इधर वाला जब मिलाओगे तो ये वाला एंगल जो है वो टेंडिंग टू 180 है। तो इसका मतलब हो जाएगा बी इक्वल टू अंदर कितना आएगा, कॉस थीटा वन माइनस कॉस जीरो कॉस थीटा टू, तो एक लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर बी के लिए आप ये ध्यान रखोगे ना कि उसके अंदर बी का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है, लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर बी के लिए म्यू नॉट एन आई बी की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, फिर देखो यहां पर अब एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये हमने भले ही इसके एक्सेस पे निकाला है लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि इसके हर पॉइंट पे अंदर एक लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर हर पॉइंट पे अंदर बी की वैल्यू आप बोल सकते हो, एक्सेस पे नहीं कहीं पर भी हर पॉइंट पे बी की वैल्यू आप बोल सकते हो कि सेम है और उसकी वैल्यू है म्यू नॉट एन आई। ये आगे अभी हम लोग एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे तो उससे प्रूव करके हम लोग देखेंगे कि अंदर हर पॉइंट पे हम बी की वैल्यू बोल सकते हैं म्यू नॉट एन आई सोलेनोइड के अंदर, लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर केवल ना, अंदर के साइड में, एंड पे नहीं बोल रहा हूं, अंदर के साइड में कहीं पे भी। फिर देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाओगे तो वो कुछ आप ऐसे दिखाते हो ना, ऐसे दिखाते हो ना आप, बहुत सारी अंदर यूनिफॉर्म लाइन दिखाओगे, अंदर आप मानोगे कि बी यूनिफॉर्म है तो आप हर जगह यूनिफॉर्म ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे लाइन दिखाओगे और वो सारी लाइन घूम करके ऐसे इनफाइनाइट से वापस आ रही है ना, ये लॉन्ग सोलेनोइड है ना, समझाने के लिए फाइनाइट दिखाया, लॉन्ग है तो बहुत दूर से सब घूम के आ रही होंगी, समझ आ रहा है बच्चों। लॉन्ग सोलेनोइड में अंदर हर जगह हम बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट मानते हैं और उसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई मानेंगे, एंड के पास नहीं अंदर के साइड। ठीक है बच्चों, अब एक चीज ये बताओ कि अगर मान लो अंदर 100 लाइन है तो ये 100 लाइन जब बाहर निकलेंगी तो पूरे इनफाइनाइट स्पेस में फैल जाएंगी ना, लॉन्ग सोलेनोइड है तो इनफाइनाइट से घूम घूम के आएंगी ना, तो बाहर के साइड में लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बाहर के साइड में अगर आप देखोगे तो लाइंस बहुत दूर दूर हो जाएंगी, अंदर तो एक छोटे से पर्टिकुलर वॉल्यूम में थी लेकिन बाहर इनफाइनाइट में फैल गई, तो बाहर के साइड में लगभग आप बी कितना बोल सकते हो, अगर वो बहुत दूर दूर हो गई मतलब बी बहुत कम हो गया, तो बाहर के साइड में लगभग आप बी बोलोगे जीरो है।
नहीं, एक लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से अंदर के साइड में बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई रहती है और वो कांस्टेंट रहती है, और बाहर के साइड में हम उसको जीरो लेते हैं। अंदर के साइड में म्यू नॉट एन आई और बाहर के साइड में जीरो, लगभग जीरो, बहुत ही कम है तो उसको हम जीरो ही मानेंगे। सॉल्विंग में कुछ भी करना रहेगा तो जीरो लेके सॉल्व करें। हाँ, फाइनाइट में नहीं होगा ऐसा ना, फाइनाइट में नहीं, इनफाइनाइट में होगा। और नॉर्मली आप जैसे कोई भी फाइनाइट सोलेनोइड लेते हो ना, आपने कोई एक ऐसा मान लो सोलेनोइड लिया हुआ है जिसमें ऐसे वायर रैप है, तो इसमें बी की वैल्यू हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, ऐसे बहुत सारी लाइंस निकल रही है ना, फाइनाइट होगा तो ऐसे हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो ये बहुत दूर हो जाती है लाइंस, इनफाइनाइट, फाइनाइट में रहेगा बाहर ना। आपको देखो याद क्या क्या रखना है, एक तो सोलेनोइड का फॉर्मूला, बी निकालने का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, फिर इनफाइनाइट की वजह से बी का फॉर्मूला, अंदर क्या रहता है बाहर कितना रहता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको एक सोलेनोइड के एंड पे पूछा जाए, मान लो एक सोलेनोइड है जो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, करंट आई फ्लो रही है, और इसके एंड पे पूछा जाए तो एंड पे बी कितना आएगा, हाँ म्यू नॉट एन आई बाई टू ना, जब एंड पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सिस है, तो एक तो इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे तो पहला वाला एंगल कितना आ जाएगा, पहले वाले एंड को मिलाओगे तो 90 डिग्री, और दूसरे वाले एंड को जब मिलाने जाओगे तो वो तो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, एकदम इनफाइनाइट को ऐसे जा रहा होगा, तो इसका मतलब ये एंगल टेंडिंग टू 180 हो जाएगा। तो बी वाले फॉर्मूले में डाल दो कि म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन ध्रुवी, अब तो खत्म ही होने वाला है, पीडीएफ अब डाल दूंगा, पीडीएफ में देख लेना, टाइम नहीं है बेटा अभी। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय टू, और अंदर कहीं पे भी बी का डायरेक्शन दिखाना है तो बस आप एक लूप के वजह से बी का डायरेक्शन देख लो, वही सबके वजह से होगा। हाँ, अगर आपको कोई भी सोलेनोइड है, आपको ऐसे बोला जाए कि भाई ये एक सोलेनोइड है,
यहाँ पे करंट बाहर आ रही है, इधर को अंदर जा रही है, तो यहाँ बी का डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ पे ये एक लूप दिया हुआ है, मतलब ऐसे बहुत सारे लूप है, तो एक लूप की वजह से बस देख लो, एक लूप की वजह से कैसे देखते हैं, उसमें करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो तो थंब हमें बी का डायरेक्शन देगा, तो यहां पर ऐसे जा रहा होगा, ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम बी सोलेनोइड की वजह से दिखा सकते हैं। यार आर्ट की तो गंदी वाली लगी हुई है, थंब तो बना ही नहीं पा रहा हूं मैं। अब देखो बच्चों, ये इंटेक्स टू तक तो अब आपका कंप्लीट हो गया है, जो भी वो एक्सिस वाले क्वेश्चन रह गए थे अब वो कर लेना। अब हम लोगों को एम्पियर्स लॉ स्टार्ट करना है, अब आज तो टाइम है नहीं। जैसे देखो इलेक्ट्रो में गॉस थ्योरम होता था, वैसे ही इसमें अब एम्पियर्स लॉ होगा। एम्पियर्स लॉ पढ़ने के बाद अपना सॉल्विंग वाला पार्ट और इजी हो जाएगा। ये बात सही है मजनू भाई, आर्ट यूनिवर्सिटी टाइप ही है मेरा सब कुछ। तो अब अगली क्लास में ये एम्पियर्स लॉ करेंगे, और जैसे उसमें गॉस थ्योरम था उसी टाइप से इसमें फिर हम प्रॉब्लम करेंगे। तो होमवर्क में अब आज एक्सरसाइज 1 से होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क में बच्चों अभी हाँ टेस्ट टॉपिक जो लास्ट वीक का था वही रखते हैं, एक बार मुझे रिमाइंड करा दो क्या क्या था। एक सेकेंड, होमवर्क में एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 15। यार केमिस्ट्री में वो वालिम्बे बोल रहा था वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए, कि उसका बहुत टाइम से हो रखा है और कंप्लीट और टेस्ट नहीं हुआ है। संडे को ही रखेंगे यार अब तो। यार एक वीक उसका सबसे बोल रहा है, हर बार हम बोल देते अगले वीक करेंगे, इस वीक रख लेने तो वो भी होगी, हो ही गया है ना। काइनेटिक्स अगले वीक कर लेंगे भाई, अगले वीक कर लेंगे, उसका भी कर लो। अब यार रक्षाबंधन तो नहीं कुछ अब सुन सकते, क्योंकि एक वीक देखो छुट्टी दे चुका हूं, तो अब तो टेस्ट रखना ही पड़ेगा। राखी बांध करके फटाफट टेस्ट देना, अच्छा रह जाएगा फिर। चलो केमिकल काइनेटिक्स ही रख देते हैं। अच्छा सुबह 8 बजे रख दूंगा, ठीक है। केमिकल कैपेसिटर, केमिकल काइनेटिक्स, मैथ में क्या था इंटीग्रेशन ना, डेफिनेट वाला, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ, बाय बाय।